हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन, अनदर वीडियो, अनदर ड्रैग। तो गाइस, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग बैटल होने वाली। इधर साइड खड़ी हुई KTM की RC 390 Gen 2, और इधर साइड खड़ी हुई है NS 400, जिसका कोई जेन नहीं, पहली बार लॉन्च हुई है बजाज की तरफ से कोई 400cc की बाइक। और प्राइस रेट आप लोग जान ही गए होंगे, इतना रीजनेबल प्राइस है, कुछ कहने को नहीं। 2,23,000 रुपये में आपको बजाज पल्सर NS 400 मिल रही है, जो कि 373cc की है, 40 PS पावर एंड 35 Nm टॉर्क जनरेट करती है। इधर साइड RC 390 लगभग 3,70,000-80,000 रुपए के आसपास आती है, और इसका जो PS पावर है वो 43 PS पावर है और 37 Nm टॉर्क है। बाकी गाइस, दोनों बाइकें आप लोगों को पता है कैसी हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। NS 400 की आप लोग मेरी इतनी प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं कि आप जान गए होंगे कि NS 400 में क्या क्या है। बाकी एक चीज़ बता दूँ कि RC 390 एक ले लो या NS 400 दो ले लो, 10-20-50,000 रुपये डालने के बाद। बाकी उसकी TFT आपको दिखा दूँ, और हाँ, इसमें कहीं भी चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया गया हुआ है कहीं भी, और इसमें चार्जिंग पोर्ट दिया गया हुआ है, बहुत बड़ी बात है। और इसका मीटर आप लोग देख लीजिए, ऐसा है, हज़ार्ड बटन दिया गया हुआ है, और लगभग थोड़ा बहुत Duke 390 के तरीके इसका कंसोल दिया गया है, स्विचेस वाला। और बाकी इसमें मोड दिए गए हुए हैं, राइडिंग मोड्स हैं, रेन, स्पोर्ट, रोड, ऑफ रोड, बस ये चार तरीके के मोड दिए गए हैं। इधर साइड भैया ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग, ABS, सुपर मोटो, बहुत कुछ, भरपूर इसमें, फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक है। तो भैया चलो, कौन सी चलाएंगे भैया गाड़ी? तो भैया चलाने जा रहे हैं RC। चलिए, हारने के लिए तैयार है भाई? पिछला वाला टायर स्पिन हुआ इतना तगड़ा, अरे यार, भैया RC निकल गई भाई, फ्लेयर प्लस पावर प्लस पैसा भाई, पैसा हर जगह भाई, अपना कमाल दिखाता है, अपनी छाप छोड़ के जाता है पैसा हर जगह। काफी ज्यादा ट्रैफिक पड़ता है, चलो गाइस थोड़ा सा मौका दिया जाए NS को, यहाँ भगाओ भगाओ, अरे यार की शिफ्टर है, क्यों थोड़ा डाउन कर रहे हो, आदत पड़ गई है गाइस। गाइस रेस कंटिन्यू है, रुकी नहीं है रेस, और RC अब देखते आगे निकल पाएगी कि नहीं। फुल थ्रॉटल पर वो जा रही है NS, आप लोग ये देख रहे हैं कि भाई बराबरी का मुकाबला है। आप भैया 177 गई है ये, हाँ भाई मजेदार बैटल है यार। हाँ, अरे
भाई आरसी क्या स्लो है क्या इनिशियल में, क्या बात है ना, दिल गार्डन गार्डन कर दिया तुमने एकदम। आरसी में थोड़ी सर्विस नहीं हो रखी, थोड़ी सी रफ है और भैया बहुत जोश में लग रहा है एनएस 400 चलाने के बाद। और गाइस की ब्रेक तो है ही नहीं, कितनी भगाई भैया 75 के वेट के साथ पीछे लगी थी यार एकदम थोड़ा ही सा थी, मैं मिरर में देख रहा था बराबर मेरे विनर वो मिरर में विजिबल थी ये बाइक। तो गाइस अभी आप लोगों ने भाई बैडल देख ली कि कितनी धमाकेदार बैडल थी, एनएस 400 पीछे ही लगी हुई थी भाई, भाई कसम से भाई, भाई नेकेड होने के बाद उसके पीछे लगी, इसका मतलब भाई उसकी परफॉर्मेंस आप समझ सकते हैं कि एनएस 400 क्या परफॉर्मेंस है, क्या बजाज वालों ने बनाया है। तो गाइस इसी बात पे एनएस 400 लवर्स जितने जो नए नए लवर्स बने लाइक मारो फटाफट, कमेंट करो। बाकी गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।